नवी मुंबई आवाज के खास कार्यक्रम मंडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए सब्जी मार्केट में हुई हलचल और इनके दामों में हुई बदलाव को लेके। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस हफ्ते सभी सब्जियों की और खास तौर पर प्याज की कीमतें काफी बढ़ गई है। प्याज की कीमत में मानो जैसे आग ही लग गई है। इन बड़ी कीमतों का कारण बरसात और मार्केट में सब्जियों के आगमन में आई कमी को बताया जा रहा है। आइए पहले नजर डालते हैं होलसेल मार्केट में चल रहे सब्जियों के दाम पर। बैंगन जो पहले 3 रुपए किलो था वो अब 6 रुपए किलो हो गया है। भिंडी जो पहले 16 रुपए किलो थी अभी भी 16 रुपए किलो ही है। करेला पिछले सप्ताह 8 रुपए किलो था इस सप्ताह 12 रुपए किलो हो गया है। गाजर जो पिछले सप्ताह 18 रुपए किलो था इस सप्ताह 20 रुपए किलो हो गया है। टमाटर पिछले सप्ताह 20 रुपए किलो थे इस सप्ताह 18 रुपए किलो हो गए हैं। गवार पिछले सप्ताह 22 रुपए किलो था और इस सप्ताह 30 रुपए किलो हो गया है। पत्ता गोभी पिछले सप्ताह 16 रुपए किलो था इस सप्ताह 16 रुपए किलो ही रहा है। गोभी पिछले सप्ताह 6 रुपए किलो था इस सप्ताह 8 रुपए किलो हो गया है। अचारी मिर्ची पिछले सप्ताह 20 रुपए किलो थी इस सप्ताह 12 रुपए किलो हो गई है। सेब पिछले सप्ताह 12 रुपए किलो था इस सप्ताह 15 रुपए किलो हो गया है। फरस भी पिछले सप्ताह 18 रुपए किलो थी इस सप्ताह 20 रुपए किलो है। अदरक पिछले सप्ताह 20 रुपए किलो था इस सप्ताह भी 20 रुपए किलो है। प्याज पिछले सप्ताह 20 रुपए किलो था इस सप्ताह 30 रुपए किलो है। होलसेल मार्केट में चल रही हलचल की अधिक जानकारी होलसेल व्यापारी दिलीप शिंदे ने दी। चाइना वाले 2 रुपए किलो, गोभी 4 रुपए के पासून 8 रुपए पर किलो, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं जमते में, मगर गिरेगा नहीं बारिश गिरेगा नहीं, बाकी सब माल जो आए हुए सब आते ही गिरेगा जाता है। बस जैसा माल वैसा रहेगा, अच्छा रहेगा अच्छा माल, अच्छा भाव मिलते है, खराब रहेगा खराब मिलते हैं। ऐसा रिवेल पर रहते नहीं, आज गिरेगा कल जाना आज रहेगा ऐसे रहते हैं। मगर गाँव में बारिश चालू है, जहाँ माल अभी पिकता है वहाँ बारिश चालू है, अब कमी आता है। अब जानते हैं ग्राहकों को रिटेल मार्केट में इन सब्जियों की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। बैंगन जो पहले 40 रुपए किलो था इस सप्ताह 60 रुपए किलो है। भिंडी पिछले सप्ताह 30 रुपए किलो था इस सप्ताह 60 रुपए किलो है। करेला पिछले सप्ताह 40 रुपए किलो था इस सप्ताह भी 40 रुपए किलो है। गाजर पिछले सप्ताह 30 रुपए किलो था इस सप्ताह 60 रुपए किलो है। टमाटर पिछले सप्ताह 30 रुपए किलो था इस सप्ताह 40 रुपए किलो है। गवार पिछले सप्ताह 40 रुपए किलो थी इस सप्ताह 80 रुपए किलो है। पत्ता गोभी पिछले सप्ताह 30 रुपए किलो इस सप्ताह 40 रुपए किलो। गोभी पिछले सप्ताह 28 रुपए किलो इस सप्ताह 30 रुपए किलो। सेब का फल्ली पिछले सप्ताह 40 रुपए किलो इस सप्ताह 60 रुपए किलो। अचारी मिर्ची पिछले सप्ताह 30 रुपए किलो थी इस सप्ताह 40 रुपए किलो है। फरस भी पिछले सप्ताह 45 रुपए किलो थी इस सप्ताह 60 रुपए किलो है। अदरक पिछले सप्ताह 100 रुपए किलो था इस सप्ताह भी 100 रुपए किलो है। प्याज जो पिछले सप्ताह 35 रुपए किलो था वो बढ़कर 50 से 60 रुपए प्रति किलो हो गया है। इस सप्ताह सब्जियों की कीमतें काफी बढ़ गई है, तकरीबन सभी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे महंगाई के कारण आम आदमी की जेब पर बोझ अधिक पड़ रहा है। सर मार्केट में ना ये बैंगन और फ्लावर और ज्यादा परचूनर आइटम आ रहा है, मतलब बैंगन ज्यादा आ रहा है, चाइना बैंगन और काटेरी बैंगन, दूसरा माल कम है, यानी कि फ्लावर पापड़ी गवार ऐसा माल कम आ रहा है, शिमला ये बाकी का आइटम कम आ रहा है, लेकिन ये बैंगन ज़्यादा आ रहा है, मतलब माल ही नहीं ना, बारिश की अभी बारिश हो गया ना, 8-10 दिन ज़्यादा बारिश चालू है और पहला बारिश नहीं था, इसकी वजह से माल कम था खेती वालों के लिए, और वो मार्केट में अभी कम आ रहा है, अब वो कम ही है, लेकिन माल उधर बाहर इधर मुंबई में माल आता है ना तो वो सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर जो फुटपाथ पे लोग आदमी लोग लगाता है उसको लगाने को नहीं देता है।